ग्लूकोमीटर एक पोर्टेबल मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज ब्लड में ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। हम जो खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है जिसका काम बॉडी सेल्स को एनर्जी देना होता है। तो क्यों ना 3D एनिमेशन की मदद से इस बात के पीछे की साइंस को समझा जाए कि शुगर नापने वाली मशीन आखिर काम कैसे करती है, यानी कि हाउ ग्लूकोमीटर एक्चुअली वर्क्स। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर 3D विद प्रोफेसर। इस बेस्ट रेटेड 3D एनिमेशन कोर्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। ग्लूकोमीटर के वर्किंग मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे और उसके लिए मैं आपको मेरा ब्लड शुगर टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ग्लूकोमीटर के सॉकेट में टेस्ट स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से लगा लिया और स्ट्रिप लगाते ही ग्लूकोमीटर ऑन हो गया। अब मैं अपनी फिंगर टिप जहां से मुझे टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लेना है उसको एल्कोहल स्वैब से कुछ इस तरीके से डिसइंफेक्ट कर लूंगा। मैं फिंगर टिप से ब्लड निकालने के लिए इस पेन जैसी डिवाइस का यूज करूंगा जिसको लैंसेट होल्डर बोला जाता है। नीडल को ग्रुप्स में सेट करने के बाद नीडल के ऊपर लगी इस प्लास्टिक कैप को मैं घुमा के कुछ इस तरीके से हटा दूंगा। यह नीडल सर्जिकल स्टील से बनी होती है। सर्जिकल स्टील का यूज मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जंग ना लगने के कारण इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब मैंने इस डिवाइस के फ्रंट में लगे इस एडजस्टमेंट चैम्बर को लेवल 3 पर सेट किया। बेसिकली ये एडजस्टमेंट्स ब्लड सैंपल लेने के लिए स्किन की थिकनेस के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। थिन स्किन वाले लोग इसको लेवल 1-3 सेट कर सकते हैं, अदरवाइज लेवल 4-7 यूज करेंगे। अब मैंने जैसे ही लैंसेट होल्डर में लगे इस पार्ट को पीछे की ओर खींचा तो एक स्प्रिंग जो इसमें लगी हुई है उसकी मदद से इस रिलीज बटन को प्रेस करके स्किन पर नीडल की शार्प पॉइंट को थोड़ी ताकत के साथ हिट करवाना होता है। जैसे ही स्किन पंक्चर हो जाए अब ब्लड ड्रॉप निकालने के लिए लैंसेट को फिंगर टिप से सटाकर जैसे ही मैंने रिलीज बटन प्रेस किया तो नीडल ने स्किन को पंक्चर कर दिया और ब्लड ड्रॉप फिंगर टिप पर कुछ इस तरीके से आ गई। ग्लूकोमीटर में लगी इस स्ट्रिप को जैसे ही मैंने ब्लड ड्रॉप से टच करवाया तो स्ट्रिप ने ऑटोमेटिकली ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ ही सेकंड्स में ग्लूकोमीटर में लगी इस LCD स्क्रीन में ब्लड शुगर का रिजल्ट आ गया। यहां समझने वाली बात यह है कि इस ग्लूकोमीटर ने कुछ ही सेकंड्स में यह सब कैसे कर लिया। इसके पीछे की साइंस को समझने के लिए पहले हमको इस स्ट्रिप को समझना होगा कि आखिर इस स्ट्रिप में ऐसा क्या है जो ब्लड में शुगर का लेवल बताने में हेल्प करता है। लेकिन इस स्ट्रिप के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा जेंटल रिमाइंडर, मास्टर 3D विद प्रोफेसर कोर्स के ओरिजिनल एडमिशन फीस पर फ्लैट 70% डिस्काउंट अभी भी चालू है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए ही। अगर आप भी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल जैसी 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो अभी की अभी स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और मुझसे बात करके डायरेक्टली इस 3D एनिमेशन कोर्स में अपना स्लॉट बुक कीजिए। बाय द वे, ये छोटी सी स्ट्रिप जो आप यहां देख रहे हो ये ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए यूज होने वाले डिवाइसेस में से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये कई थिन लेयर से मिलकर बनी होती है, हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है। ब्लड शुगर टेस्ट में यूज होने वाली स्ट्रिप के इस एंड पर केमिकल कोटिंग रहती है। इसका काम ब्लड को सोक करना और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्शन के बाद ग्लूकोज को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे ही मैंने अपने फिंगर टिप पर लगे ब्लड ड्रॉप से ग्लूकोमीटर में लगी इस स्ट्रिप को टच करवाया तो ये टॉप लेयर में लगी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लड सैंपल को सोक कर लिया गया। इसके बाद ये मिडल लेयर ने ब्लड सैंपल को फिल्टर करके इसके नीचे बने रिएक्शन चैम्बर तक पहुंचा दिया। ये जो अगली लेयर आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लड के साथ स्ट्रिप पर लगे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं। जैसे ही फिल्टर्ड ब्लड इस लेयर में आया तो यहाँ पर लगे ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ने ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया और इस रिएक्शन की वजह से ग्लूकोनिक एसिड क्रिएट हुआ। फर्दर ये ग्लूकोनिक एसिड स्ट्रिप पर लगे एक और एसिड फेरिसाइनाइड से रिएक्ट करके फेरोसाइनाइड क्रिएट करेगा। अब स्ट्रिप में इन सभी रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ। रिएक्शन के बाद जनरेट होने वाले करंट को स्ट्रिप की बॉटम लेयर पर लगे गोल्ड और पैलेडियम कोटेड सर्किट से ग्लूकोमीटर में लगे सेंसर्स रिसीव करते हैं। यहाँ पर करंट को कंप्यूटर चिप्स की हेल्प से न्यूमेरिकल रीडिंग में कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोमीटर की LCD स्क्रीन पर मेरा ब्लड शुगर टेस्ट का रिजल्ट आ गया। हाई ब्लड शुगर पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज इस स्ट्रिप पर रिएक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल जनरेट करता है और वो मीटर में रिसीव होते ही न्यूमेरिकल रीडिंग में कन्वर्ट होने पर रिजल्ट भी हाई दिखाएगा। यानी कि जितना हाई या लो इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा रिस्पेक्टिवली उतना ही हाई या लो आपके ब्लड शुगर का लेवल होगा।